नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सबसे पहले आपको बता दें कि जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर क्या तंज कसा है, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। शिमला पहुंची ओलंपियन बबीता फोगाट। जी हाँ, शिमला पहुंचने पर ओलंपियन बबीता फोगाट ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस को लेकर उन्होंने क्या कहा है, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पांगी किलाड़ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये मार्ग अब बंद हो गया है, कब तक ये मार्ग बहाल होगा, पूरी जानकारी आपके साथ ये भी साझा करेंगे। तो यही आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और NSV न्यूज़ को स्टार भेजें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। हिमाचल के मंडी स्थित करसोग में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जयराम ठाकुर अलग अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, वहीं उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का भी गुणगान कर करसोग वासियों से अपना पड़ोसी धर्म निभाने की बात कही। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तंज कसा कि दिल्ली में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था जिसमें देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आटे को लीटर में तोल गए। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी दुकान पर सामान खरीदने नहीं गए वे भला आटा दाल का भाव क्या समझेंगे। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी HPTU ने BTech में लेटरल और डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। BTech लेटरल एंट्री के लिए काउंसलिंग 21 सितंबर को होगी, जबकि BTech डायरेक्ट एंट्री की काउंसलिंग 22 सितंबर को टेक्निकल यूनिवर्सिटी परिसर दड़ूही में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और ओलंपियन बबीता फोगाट रविवार को शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण के केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों को लेकर तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही वे भाजपा में शामिल हुई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने 4 सितंबर को प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर चालक दैनिक वेतन भोगी के 82 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परिणाम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpscb.in पर उपलब्ध है। परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक से अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम डाउनलोड कर इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। हिमाचल के मंडी में बजौरा बाया कटौला राजमार्ग कमान के पास फिर पहाड़ी दरकने से यातायात के लिए बंद हो गया है। ज्यादा मात्रा में मलबा रोड पर आने की वजह से यहां लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सैकड़ों की तादाद में यात्री जाम में फंसे हुए हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग की मशीनरियां मौके पर सड़क को बहाल करने में जुटी हुई हैं। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर को चंबा के पांगी से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 26 पर पांगी किलाड़ यातायात के लिए बंद हो गया है। इस मार्ग में काठू नाले के पास लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही बंद पड़ गई है। हालांकि BRO मार्ग बहाली के काम में जुटा हुआ है। SP मानव शर्मा ने बताया कि पुलिस और प्रशासन ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यातायात जाम खत्म करने के लिए प्रस्तावित 3 फ्लाईओवर अब HP रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनने वाले इन फ्लाईओवर के निर्माण का जिम्मा अभी लोक निर्माण विभाग को सौंपा था, लेकिन महीनों के बाद भी इनका काम शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार ने शहर के सबसे अहम प्रोजेक्टों में हो रही देरी को देखते हुए अब विभाग से इनका काम वापस ले लिया है। ITO अवार्ड 2022 के लिए हिमाचल से टाइगर अकेडमिक ऑफ मार्शल आर्ट अवादेवी के संचालक दिनेश कुमार को चयनित किया गया है। इंडियन ताइक्वांडो यूनियन के सेक्रेटरी जनरल मास्टर मुकेश कुमार साहू ने इस संबंध में मास्टर DK को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि इंडियन ताइक्वांडो यूनियन द्वारा नेशनल इंस्ट्रक्टर एंड रेफरी ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन 15 से 16 अक्टूबर को उड़ीसा के राउरकेला में किया जा रहा है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर BJP ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। रविवार को ऊना में प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने BJP के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही उन्होंने 17 LED प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार और संगठन के कार्यों को पहुंचाने का काम करेंगी। हिमाचल के सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने 24 सितंबर की प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की मंडी में होने वाली रैली को लेकर बैठक की। कार्यकर्ताओं ने रैली में जाने के लिए 10,000 लोगों के जाने का टारगेट तय किया है। युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष रोहित भारद्वाज ने कहा कि मंडल से भी 2,000 कार्यकर्ता मंडी में आयोजित होने वाली रैली में भाग लेंगे। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।